दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ 10 ऐसे बेस्ट हार्डवेयर अपडेट के बारे में जो 2024 में आपके पीसी की परफॉर्मेंस को बिल्कुल भी बूस्ट करने में आपकी हेल्प करेंगे। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आप वीडियो गेमिंग्स करते हैं, वीडियो एडिटिंग्स करते हैं, आपके पास पुराना पीसी है तो आप उसमें क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं, कौन कौन से हार्डवेयर को किस लेवल से अपग्रेड कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। समझने के लिए वीडियो साथ अंत तक बने रहे, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से हार्डवेयर हैं जिनको हम लोग बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर अगर आपके पास पुराना पीसी है तो सबसे पहला काम आप कर सकते हैं कि उसके अंदर जो है आप HDD को जो है आप साटा SSD से कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अपग्रेड कर सकते हैं। इससे आपको बिल्कुल भी इमीडिएट आपको जो है स्पीड के अंदर बिल्कुल ड्रामेटिक तरीके से जो है आपको एक स्पीड बूस्ट देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन आपको एक्सपीरियंस होगा, लगेगा कि क्या से क्या हो गया। आप सिर्फ जो है कुछ भी ना बदल करके सिर्फ साटा SSD में अगर आप कन्वर्ट हो जाते हैं, साटा SSD के अंदर विंडोज को इंस्टॉल कर दीजिए, आप अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दीजिए, उसके बाद देखिए क्या ही परफॉर्मेंस में बूस्ट मिलता है। बहुत ही जबरदस्त जो है आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। रीजन क्या है कि अगर आप हार्ड ड्राइव लगाए हुए हैं तो आपको 160 MBPS जो है आपको स्पीड मिलने वाली है, लेकिन वहीं पर अगर आप साटा SSD में कन्वर्ट कर देते हैं तो वहां पर 500 से लेकर के 550 MBPS तक जो है आपकी स्पीड बढ़ी हुई मिलेगी। उसकी रीड राइट स्पीड आपको जो है देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कई गुना स्पीड में आपको जो है अंतर तुरंत दिखेगा। उसके बाद जो है रैम का अपग्रेडेशन, 2024 में 8 GB बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट गई है, लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं या फिर हैवी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या फिर गेमिंग्स करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आप उसको 16 GB कर सकते हैं या फिर 32 GB कर सकते हैं। इससे बहुत ही जबरदस्त बूस्ट देखने को मिलेगा। अगर आप AMD के प्रोसेसर को यूज कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि उसके अंदर 2 स्टिक जरूर यूज करें, उसका दोनों चैनल यूज करें। अगर इंटेल का प्रोसेसर आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ड्यूल चैनल से कोई बहुत बड़ा बूस्ट देखने को नहीं मिलेगा। उसकी GB बढ़ा दीजिए, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दीजिए, उस पे फर्क पड़ जाएगा, लेकिन AMD है तो उसके अंदर 2 स्टिक जरूर लगा करके चलें। ये आपका अपग्रेडेशन बहुत ही बेहतरीन जो है इफेक्ट दिखाएगा, बहुत ही अच्छा पीसी के अंदर बूस्ट देखने को मिलेगा। इससे अगला जो अपग्रेड है वो है GPU का, यानी ग्राफिक कार्ड का। अगर आप गेमर हैं या फिर वीडियो एडिटर हैं तो एक पावरफुल GPU जो है अपग्रेड करना आपके लिए मस्ट हो सकता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी हो सकता है। 2024 में NVIDIA RTX सीरीज या फिर AMD रेडियन ग्राफिक कार्ड के साथ में आप जो है अपने पीसी को अपग्रेड कर सकते हैं, ग्राफिक कार्ड आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि 2024 में RTX सीरीज एक बजट रेंज में रह करके बहुत अच्छे अच्छे ग्राफिक कार्ड जो है मार्केट में दे रहे हैं। जैसे अगर आपका बजट कम है, 16-17-18 हजार के आसपास है तो RTX 3050 ले सकते हैं, उससे ऊपर जाना है तो RTX 3060 ले सकते हैं जो कि 12 GB में आता है, उससे ऊपर जाएंगे तो बहुत सारे कार्ड हैं, आप अपने बजट के हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं। या फिर AMD का जो है 6600 आप यूज कर सकते हैं, इससे बहुत ही जबरदस्त बूस्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका पीसी उस हिसाब से है, उस लायक है तो उस हिसाब से अपने पीसी के अकॉर्डिंग जो है आप जरूर ग्राफिक कार्ड को जो है अपग्रेड कीजिए, इससे बहुत ही जबरदस्त फायदा देखने को मिलता है। अगर इन सबका फायदा देखना है, कितना बूस्ट मिलता है सब देखना है तो हमारे बाबा टेक रिव्यू चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर सभी ग्राफिक कार्ड को जो है अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के साथ में हम लोग टेस्टिंग करते हैं और वहां पर दिखाते हैं कि कितना बूस्ट हुआ है। वहां पर बहुत ही ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी, अपग्रेड से रिलेटेड बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलेगा। साथ में सारे ग्राफिक कार्ड हो गए या फिर जितने भी पार्ट्स हैं सही प्राइस में बाय करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। जब भी सही ऑफर्स आते हैं हम लोग वहां पे शेयर करते हैं, वहां से आपके हजारों रुपए बच सकते हैं। तो ये तो रहे यहां तक की कहानी। आगे अगर हम बात करें तो आगे जो है आप CPU को अपग्रेड कर सकते हैं। CPU को अपग्रेड करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, आपको सिर्फ जनरेशन सेम रखना है। मान लीजिए सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, सिक्स जनरेशन है या फिर फोर्थ जनरेशन है, इस तरीके से जो जनरेशन होता है जनरेशन को सेम रखते हुए अगर आपका मान लीजिए i3 सेकंड जनरेशन है तो आप i5 सेकंड जनरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर i3 थर्ड जनरेशन है तो i5 थर्ड जनरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर i7 थर्ड जनरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है आप अपने पीसी को अपग्रेड कर सकते हैं। जनरेशन सेम रखना इसलिए जरूरी है, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे
प्रोसेसर की सीरीज है जो एक ही मदरबोर्ड के अंदर वो लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए 6th जनरेशन अगर आपके पास पीसी है, उसका जो मदरबोर्ड है, उस मदरबोर्ड का जो सॉकेट है उस पे जो है आप 7th जनरेशन और 8th जनरेशन का भी प्रोसेसर उस पे लगा सकते हैं। 9th जनरेशन का भी प्रोसेसर उस पे लग जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पुराना आपका अगर मदरबोर्ड हुआ तो उसके अंदर बायोस को अपग्रेड करना पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा झमेला हो सकता है। इसीलिए बेहतर है कि आप जनरेशन को सेम रखिए और आप जो है उसको अपग्रेड कीजिए i3 से i5 में, i5 से i7 में, i7 से i9 में अपग्रेड कीजिए। ये बहुत ही जबरदस्त आपको जो है बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का जो है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट दिखेगा। ये बहुत अच्छा अपग्रेड आपके लिए हो सकता है। और ये जो अपग्रेडेशन है, मैक्सिमम अपग्रेडेशन जो है आपको डेस्कटॉप में ही देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम लैपटॉप की बात करें तो उसके अंदर रैम और स्टोरेज सिर्फ अपग्रेड कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी डेस्कटॉप आपके पास में है तो ये सारे के सारे अपग्रेड जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है पावर सप्लाई का अपग्रेडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास पुराना पीसी है, उसमें कोई ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं, वीडियो गेम्स के लिए, फिर वीडियो एडिटिंग के लिए ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं, तो उस टाइम में जरूरी है कि आप अपने पावर सप्लाई को अपग्रेड कीजिए। क्योंकि अगर आप पुराने पावर सप्लाई पर लोड देते हैं तो काफी लोगों का कमेंट भी आता है कि हमारा पीसी थोड़ी देर चलता है अच्छा, लेकिन उसके बाद जो है लैग करने लग जाता है या फिर रिस्टार्ट होने लग जाता है, कुछ देर चलने के बाद बिल्कुल भी हैंग हो जाता है। इस तरह की जितनी भी सारी प्रॉब्लम होती है वो आपके पावर सप्लाई के वजह से भी होती है। तो आप अपने पावर सप्लाई को अपग्रेड कीजिए। कोई भी 20,000 के आसपास का या फिर उससे ऊपर का कोई भी ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं तो जरूरी है कि आप अपने पावर सप्लाई को अपग्रेड करके 80+ ब्रांच सर्टिफिकेशन के साथ में पावर सप्लाई 650 वाट आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा हैवी ग्राफिक कार्ड के साथ में जा रहे हैं तो 750 वाट जो है पावर सप्लाई यूज कर सकते हैं। पावर सप्लाई बेहतर होगा तो आपका पीसी लैग नहीं करेगा, रिस्टार्ट नहीं मारेगा, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है खत्म हो जाती है, पीसी की लाइफ भी बेहतर रहती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कूलिंग सिस्टम अपग्रेडेशन की। ये भी एक बहुत ही बड़ा मेन पॉइंट होता है, क्योंकि जैसे कि ये सारे जो कमेंट की हम लोगों ने बात किया कि हमारा पीसी थोड़ी देर चलने के बाद लैग कर जाता है, कुछ देर चलने के बाद बहुत ही स्लो हो जाता है, रिस्टार्ट मार जाता है, ऑटो शटडाउन हो जाता है, ये सारी जो प्रॉब्लम होती है ये आपके सीपीयू हीटिंग की वजह से भी होती है। मान लीजिए आपने उसको ओवरक्लॉक कर दिया और आपने कूलिंग सिस्टम का ध्यान नहीं रखा तो वो जब भी हीट होगा, ओवर हीट होगा, तो उस कंडीशन में वो शटडाउन मार जाएगा या फिर रिस्टार्ट हो जाएगा या फिर लैग करने लग जाएगा। तो बेहतर होगा कि आप वहां पर एक अच्छा सा जो है कूलिंग सिस्टम का यूज कीजिए। अगर बहुत अच्छा लेना चाहते हैं तो लिक्विड कूलर को यूज कर सकते हैं या फिर एक अच्छा सा एयर कूलर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में जो है प्रोसेसर के साथ में आया हुआ सीपीयू कूलर है तो उसको बदल करके एक अच्छा सा कूलर यूज कीजिए। इस टाइप की जितनी भी सारी प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगले अपग्रेड की अगर हम बात करें तो वो है NVMe SSD। हमने SATA SSD के पहले ऊपर बात किया था, अब NVMe SSD की बात करते हैं। तो NVMe SSD में क्या होता है, इसका परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का होता है। जैसे SATA SSD के अंदर हम लोगों ने बात किया कि उसकी स्पीड जो होती है 500 से 550 MB/s के आसपास होती है, लेकिन वहीं पर अगर आप NVMe M.2 SSD यूज करते हैं तो उस कंडीशन में इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है, कई गुना फास्ट हो जाती है। ये 2000 से लेकर के 7000 MBPS तक की स्पीड की आती है, जो कि एक बहुत ही फास्ट ये तरीका हो सकता है। इससे आपका जो पीसी जो स्टार्टिंग टाइम होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, एप्लीकेशन वगैरह लॉन्च होने का जो टाइमिंग होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, आपका पीसी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे फास्ट हो जाएगा। लेकिन जरूरी है कि अगर आपका पुराना पीसी है तो उसके अंदर M.2 NVMe SSD नहीं लगा सकते, उसके लिए मदरबोर्ड भी अपग्रेड करना बेहद जरूरी है। मदरबोर्ड अगर आपका बहुत ही पुराना हो गया है तो आप उसी जनरेशन के लिए आप नया मदरबोर्ड बाय कर लीजिए जिसके ऊपर ऑनबोर्ड M.2 NVMe का स्लॉट हो, जिसके अंदर M.2 NVMe SSD आप यूज कर सकें ताकि उसके परफॉर्मेंस को आप बिल्कुल भी नेक्स्ट लेवल का बूस्टअप कर सकें। तो इस तरीके से आप अपग्रेड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पीसी बहुत ही फास्ट हो गया है। इस तरीके से कहां तक आप अपग्रेड कर सकते हैं आप अपने हिसाब से देख लें। बाकी जितने भी अपग्रेड हमने बताया है ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन अपग्रेडेशन है, आप इसको जरूर यूज करें। बाकी दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।